सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप सभी लोगों की वजह से क्वेश्चन वर्ल्ड को YouTube की तरफ से गोल्ड प्ले बटन मिल गया है। एंड ऑफ कोर्स दिस वन डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों ने मिलकर हमारे चैनल क्वेश्चन वर्ल्ड को 1.2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर तक तो पहुंचा दिया, लेकिन अभी भी एक छोटी सी शिकायत यह रहती है कि चैनल से इतने सारे लोग जुड़ने के बाद भी वीडियोस पर व्यूज नहीं आते। शायद मेरी तरफ से ही कोई कमी रह गई है। अगर कोई कमी है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एनीवे, वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर मेरे पास में कमेंट आते हैं कि कैसे जाने कि हम ध्यान करते हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हम ध्यान में हैं? इसका क्या अनुभव होता है, क्या सिम्टम्स हैं? वेल, आज ध्यान पूरी दुनिया में एक फैशन की तरह हो गया है, जिसमें कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि ध्यान कैसे होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस आराम से आंख बंद करके बैठना होता है और बस यही ध्यान है, और जिसमें कि 90% लोग ध्यान किए जा रहे हैं कुछ बनने के लिए। किसी को कुंडलिनी जागृत करनी है, किसी को थर्ड आई ओपन करनी है, किसी को वशीकरण सीखना है, किसी को एस्ट्रल ट्रेवलिंग करनी है, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, त्राटक, हिप्नोसिस, पिछले जन्मों के बारे में जानना, इन सब के लिए ध्यान कर रहे हैं। ये सब ध्यान नहीं है, लेकिन हजारों में से कोई एक ही होता है जो उस निराकार में डुबकी लगाने के लिए ध्यान करता है बिना किसी इच्छा के। ध्यान का मतलब ये नहीं जो आप सोचते हो। ध्यान का मतलब निराकार को देखना, उसमें विलीन होना, नथिंगनेस की अवस्था पाना ही ध्यान है। नथिंगनेस का मतलब जहां पर आप भी नहीं रहते। देखिए, अगर आपको सही ध्यान करना है तो इसका उल्लेख भगवद गीता में केवल एक जगह श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है। श्री कृष्ण ने ध्यान योग में बताया कि हे अर्जुन, नासाग्र दृष्टि पर ध्यान लगाओ। बस यही की पॉइंट है जो कृष्ण भगवान द्वारा बोला गया। बाकी ध्यान का उल्लेख आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, और जो भी किताबें आज के टाइम पर मौजूद है उनमें लोगों के अपने अनुभव हैं। जब आप नासाग्र दृष्टि पर ध्यान लगाएंगे, अपनी नाक की टिप को देखेंगे लेकिन आंख बंद करके, फिर आपको निराकार के दर्शन होंगे। और कमाल की बात तो यह है, निराकार को जाने बिना कोई भी समाधि की अवस्था को पा ही नहीं सकता। अब सवाल यह उठता है, कैसे पता लगे कि आप निराकार वाली अवस्था में हैं, आप सही ध्यान कर रहे हैं? क्या इसका अनुभव आपको होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। जब आप अपनी आंखों को बंद करके नासाग्र दृष्टि पर ध्यान लगाओगे तो आपको अपने भीतर ही निराकार दिखने लगेगा। आपके भीतर का आकाश आपको दूर दूर तक दिखाई देगा, आपको कहीं पर भी कोई छोर दिखाई नहीं देगा। अनंत, दूर दूर तक, यानी धीरे धीरे आपको पूरा ब्रह्मांड अपने भीतर ही दिखने लगेगा। आपको महसूस होने लगेगा ये चांद, सितारे, पूरी गैलेक्सी, ब्रह्मांड आपके भीतर ही समाया हुआ है। आपको विचित्र तरह की आवाजें आने लगेंगी, आप अपने आप को खो चुके होंगे और इस दुनिया से कहीं दूर, बहुत दूर, उस निराकार में विलीन हो चुके होंगे। यही निराकार का अनुभव है, और इस अनुभव को मैं अपने जीवन में 2 बार कर चुका हूँ। बाकी ध्यान के बहुत सारे प्रयोग हैं, ऐसा नहीं है कि उनसे फायदा नहीं होता, जिसमें कि एक सबकॉन्शियस माइंड है। देखिए, जब आप कुछ पाने के लिए ध्यान करते हैं, जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए, तो इसके लिए आपको अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र से नीचे की ओर जाना पड़ेगा। नीचे की ओर जाने से मतलब है ऊर्जा का संचार नीचे की तरफ होगा, जिससे कि शक्ति आपके नाभि चक्र यानी सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करती है, और वहीं ध्यान के लिए आपको आज्ञा चक्र की ओर जाना पड़ेगा, यानी ऊर्जा को आज्ञा चक्र की ओर ले जाना पड़ेगा। मतलब नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा का बहाव, जब ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है तो असल में आप ध्यान से जुड़ते हैं। और वहीं हिप्नोसिस के प्रयोग में यानी सबकॉन्शियस के लिए नीचे की ओर, इस प्रयोग में ऊर्जा का बहाव नीचे की ओर जाता है। हिप्नोसिस में हम क्या करते हैं, इसमें गर्दन को थोड़ा सा झुका लेते हैं। गर्दन को झुकाने से विशुद्धि चक्र पर ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है, और फिर जब ऊर्जा ब्लॉक हो जाएगी तो ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, फिर वही ऊर्जा नीचे की ओर आएगी यानी सबकॉन्शियस माइंड तक, और फिर इससे हिप्नोसिस का प्रयोग सफल हो जाता है। आप देखना किसी भी साइकेट्रिस्ट को, जब वो किसी के साथ प्रयोग करता है जिसके ऊपर प्रयोग किया जा रहा है, उसकी गर्दन हल्की झुकी होती है, वो इसीलिए ताकि ऊर्जा नीचे तक जाए, उसके सबकॉन्शियस माइंड तक उसे ले जाया जाता है, जहां पर आपकी सभी पिछली मेमोरी तथा आपके पिछले जन्मों की मेमोरी का डाटा सुरक्षित होता है। अगर आपके साथ में यह प्रयोग किया जाए तो आप आसानी से पिछले जन्मों को देख सकते हैं, और पुरानी से पुरानी यादें
बिल्कुल ऐसी ताजा होकर सामने आती हैं मानो आप फिल्म देख रहे हो, और आपको एज इट इज बिल्कुल वैसा ही अनुभव होने लगता है। अगर आपको कोई दुखी करने वाली बात याद आती है तो आप तुरंत रोने लगोगे। ये घटना बिल्कुल अभी आपके साथ घटने लगेगी। आपका शरीर उसे बिल्कुल एज इट इज अभी के अभी मान लेगा कि ये घटना अभी मेरे साथ घट रही है। आप इमोशनल भी हो सकते हो, खुशी की घटना आपको खुश भी कर सकती है। अगर आप और पीछे जाओगे, मान लीजिए आप 2 साल के हैं और किसी ने आपके हाथ से चॉकलेट छीन ली है और आप रो रहे हैं, तो हिप्नोसिस के प्रयोग में आप अभी रोने लगेंगे, बिल्कुल वैसे ही 2 साल के बच्चे की तरह। एनीवेज, ये सभी प्रयोग निकले तो ध्यान से ही हैं, लेकिन इनके सबके मकसद अलग अलग होते हैं। लेकिन असली ध्यान, जो निराकार का ध्यान है, उसके लिए आपको ऊपर की ओर जाना ही होगा। कमाल है, हम सभी लोग, हर एक इंसान, आप, मैं, अनंत शक्ति लेकर पैदा हुए हैं। दुनिया में सब कुछ कर पाना संभव है, बस हमें रहस्य का नहीं पता। और जिसे रहस्य का पता लग जाता है वो सब कुछ पा लेता है। अमीर बनना है तो बन सकते हो, खुश रहना चाहते हो तो रह सकते हो, फेमस होना चाहते हो ये भी पॉसिबल है। दुनिया की सभी पॉसिबिलिटीज हमारे ही अंदर हैं, बस आपको ढूंढनी है तो सिर्फ चाबी। और जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपके लिए उतना करूंगा। अपना सभी अनुभव आपके साथ शेयर करता ही रहता हूँ। तो वेल, आज के लिए इतना ही, और मैं वेट करूंगा आप सभी लोगों के कमेंट का। और हाँ, आपके बताई हुई बहुत सारी वीडियोस भी पेंडिंग में है, धीरे धीरे करके वीडियोस आती रहेंगी मेरे आंसर वर्ल्ड चैनल पर या फिर क्वेश्चन वर्ल्ड चैनल पर। आप बस इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहिए और कमेंट भेजते रहिए। और अभी तो गोल्ड प्ले बटन ही मिला है, डायमंड लेना बाकी है मेरे दोस्त। और मैं जानता हूँ आप लोग वो भी करके दिखा दोगे। तो बस मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।